पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान सऊदी अरब के दौरे पर पहुंच गए। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वज़ीर आज़म इमरान खान के एजाज में इशाया दिया। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मफाहमत की 5 याददाश्तों पर दस्तखत हो गए। सऊदी पाकिस्तान सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल के क़याम और मंशियात स्मगलिंग की रोकथाम की MOUs शामिल है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान तवानाई हाइड्रो पावर मंसूबों में सरमायाकारी की MOUs पर भी दस्तखत हुए, जबकि बुनियादी ढांचे ट्रांसपोर्ट और आबी वसाइल के मंसूबों में सरमायाकारी की याददाश्तों पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक के दरमियान जराइम के तदारक में तआवुन और सजा याफ्ता कैदियों की मुंतकली से मुतल्लिक मफाहमत की याददाश्तें भी शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख का कहना है कि पंजाब ने 1.5 अरब की वैक्सीन मंगवाई, मगर सिंध हुकूमत ने कोरोना की कोई वैक्सीन नहीं खरीदी। सिंध असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अलीम आदिल ने कहा कि इरीगेशन में 10 अरब की रकम खर्च हुई, मगर कहाँ हुई कुछ पता नहीं। लोकल गवर्नमेंट के 6 अरब खर्च हुए, यहाँ वजारतें ठेके पर दी हुई है। हलीम आदिल ने मजीद कहा कि सिंध हुकूमत की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें बेकायदगियां हुई। उन्होंने कहा कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन सफारशी पब्लिक सर्विस कमीशन बन चुका है। लगता है सिर्फ बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं, किसी हारी और मजदूर का बेटा अब अफसर क्यों नहीं बनता। हलीम आदिल ने कहा कि पेंशन स्कैंडल में जो भी मुलविस है इनको सजा दी जाए, सिंध के काश्तकारों के साथ जुल्म किया जाता है। वफाकी काबीना ने सहाफियों के तहफ्फुज की बिल की मंजूरी गुज़श्ता रोज दे दी थी, जिसके बाद अब बिल को मंजूरी के लिए कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा। निजी टीवी के मुताबिक बिल के अहम नुकात में हर सहाफी और मीडिया वर्कर को आर्टिकल 9 में दी गई सिक्योरिटी का हक हासिल है। सहाफी के मुतनाजा इलाकों में काम का हक है, सहाफी को कोई टारगेट या हिरासा नहीं कर सकता। बिल के मुताबिक सहाफी से इसके जराए नहीं पूछे जा सकते। हुकूमत सहाफी को हर तरह का तहफ्फुज फराहम करेगी। सहाफियों के लिए जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम शुरू की जाएगी। बिल के मुताबिक सहाफियों के तहफ्फुज के लिए कमीशन कायम किया जाएगा। कमीशन में PFUJ, नेशनल प्रेस क्लब, वजारत इतलात और इंसानी हकूक के नुमाइंदे शामिल होंगे। कमीशन किसी हादसे की सूरत में इंक्वायरी करेगा। कमीशन अपनी रिपोर्ट और सजा तजवीज करके हुकूमत को देगा। IG सिंह मुश्ताक मेहर ने कराची के इलाके क्लिफ्टन 3 तलवार पर सुनार की दुकान में डकैती का ड्रामा बेनकाब करने पर SP इन्वेस्टिगेशन और तफ्तीशी टीम को शाबाश दी और 5 लाख रुपए इनाम का ऐलान भी किया। ख्याल रहे कि गुज़श्ता दिनों क्लिफ्टन पर वाकया सुनार ने चोरी का मुकदमा दर्ज कराया था, जिसके मुताबिक दुकान में मौजूद 10 से 12 किलो के करीब सोने के जेवरात चोरी हुए हैं और मुदई दुकान पर तैयार शुदा और बॉक्स में रखे जेवरात फरोख्त करता है। 4 मई को वारदात के बाद केस की गहराई से तफ्तीश शुरू की गई। मुतासर दुकान का DVR और दीगर 15 दुकानों की CCTV फुटेज हासिल की गई और 23 अफराद से पूछताछ की गई, जिनमें से 15 मुश्तबा अफराद का कॉल रिकॉर्ड हासिल करके इसकी छानबीन की गई। पुलिस का कहना है कि तफ्तीश के दौरान केस के मुद्दई पर शक हुआ। इसने पूछताछ के दौरान एतराफ किया कि इसने दुकान में चोरी का ड्रामा रचाया था, जिसमें इसका दोस्त वसीम भी इसके साथ मुलविस है। दोनों मुलजमान की निशानदही पर II चुंदरीगढ़ रोड पर वाकया तिजारती मरकज पर छापा मारा गया, जहां से 3 किलो सोना मिला है।